दोस्तों कल रात मैं पुष्पा मूवी देख रहा था और उसमें वो सीन जहाँ पर अल्लू अर्जुन मूवी की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का पीछा करता है। अब ये सीन देखिए। बता उसने मुझे देखा कि नहीं? देखी क्या मेरे को? अरे नहीं देखा। तेरे को पैसा दिया पप्पी करने का और तू टाइम पास कर रही है, चल पप्पी दे। और जब मूवी खत्म हुई तो मूवी के लास्ट में रश्मिका मंदाना अल्लू अर्जुन को मिल जाती है, तो ये चीज मेरे को बड़ी नॉर्मल लगी कि हाँ यार चलो सही है, ये तो हर बॉलीवुड फिल्म की कहानी है। लेकिन उसके कुछ घंटे बाद मेरे पास मेरी दोस्त का कॉल आया। वो मेरे को बता रही थी कि एक लड़का उसका 3-4 दिन से पीछा कर रहा है, वो बड़ी परेशान हो चुकी है और अब वो घर से बाहर निकलने में अनसेफ फील कर रही है। तो उसके ये बात बताने के बाद मेरे को एक गुस्सा आया और मेरे को लगा कि यार ये लड़का कितना गलत कर रहा है। तब मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि यार एक्चुअल मैं इस चीज़ को ठीक बोल रहा था, आम बात बोल रहा था, लेकिन अभी मेरे को गुस्सा आ रहा है। तो मेरे मन में एक सवाल उठा कि जब हम ये चीज़ें रियल लाइफ में देखते हैं तो हमको गुस्सा आता है, ये चीज़ गलत लगती है, लेकिन सेम चीज़ अगर हम थिएटर पर देखते हैं तो हम तालियां बजाते हैं, सीटियां मारते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे सीन को बॉलीवुड में बड़े अच्छे से पोर्ट्रे किया जाता है, उनको कूल दिखाने की कोशिश की जाती है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने सलमान खान की बहुत सारी मूवी देखी होंगी और सलमान खान की लगभग हर मूवी में सलमान खान को लार्जर देन लाइफ करेक्टर दिखाया जाता है। एक दो मूवीज को छोड़कर उनका करेक्टर लगभग सिमिलर सा मिलता है। तो क्या सिर्फ इसी तरह के करेक्टर सलमान खान को पसंद है या फिर ये उनके फिल्म मेकर्स की पसंद है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअल में एक फॉर्मूला बन चुका है फिल्म को हिट कराने का। एक्चुअली हकीकत यह है कि बड़े नंबर्स में ऐसे लोग हैं जो इसी तरह के करेक्टर को पसंद करते हैं, जहां पे सलमान खान को एक स्वैग के साथ दिखाया जाता है, उनकी दबंगगिरी दिखाई जाती है। तो चलिए इसी से हम अपने सवाल पर आते हैं। दरअसल स्टॉकिंग भी एक फॉर्मूला बन चुका है मूवीज को हिट कराने का, जहां पर लगभग हर मूवी में स्टॉकिंग को कूल और फनी दिखाया जाता है। और इसे केवल बॉलीवुड ही नहीं दिखाती बल्कि तमिल, पंजाबी, तेलुगु, हर इंडस्ट्री इसको दिखाती है। जैसे रवड़ी राठौर और टॉयलेट एक प्रेम कथा में अक्षय कुमार, आर राजकुमार में शाहिद कपूर, रांझना में धनुष, तेरे नाम में सलमान खान, डर मूवी में शाहरुख खान और हाल ही में रिलीज हुई पुष्पा मूवी में अल्लू अर्जुन। तो ये ऐसी मूवीज हैं जिनमें स्टॉकिंग यानी कि पीछा करने को फनी और कूल दिखाया गया है। और ये लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती बल्कि ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं। देखिए टॉयलेट एक प्रेम कथा एक अच्छे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, वो वाकई में एक अच्छी मूवी है, लेकिन स्टॉकिंग वाले सीन मेरे को परेशान करते हैं। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि इन हीरोज को इन मूवीज में लास्ट में हीरोइन मिल भी जाती है। आई नो एक कॉमर्शियल मूवीज हैं, लेकिन जरा सोच के देखो इनका हमारी लाइफ पर, हमारी सोसाइटी पर कितना असर पड़ता है। और ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं जहां पे स्टॉकर्स लड़कियों का पीछा करते हैं और लड़कियों के मना करने के बाद किडनैपिंग, एसिड अटैक, हैरेसमेंट, अबडक्शन जैसे मामले सामने आते हैं। और इससे भी बुरी बात यह है कि मूवीज में ऐसे सेंटेंस भी यूज किए जाते हैं कि आखिर वो थककर मेरे प्यार में पड़ ही जाएगी। और इन सबसे इंस्पायर हुए लोग रियल लाइफ में भी ऐसा ही सोचते हैं। और ये ऐसे कोई पहले केस नहीं है जिनसे लोग इंस्पायर होते हैं। आपने सुना होगा कहीं इंस्पायर होकर मनी हाइस्ट से लोग बैंक लूट लेते हैं, कहीं स्पेशल 26 से इंस्पायर हुए लोग उसी तरह की रेड डालते हैं, और कहीं मूवीज से इंस्पायर होकर लोग मर्डर तक कर देते हैं। तो ये फिल्म हमारी सोसाइटी पर पूरी तरह असर डालती है। बॉलीवुड वही बेचता है जो हम खरीदते हैं। इंडिया में स्टॉकिंग के आइडिया को रोमांटिक बताने से लोग खुश हैं और फिल्म हमारी सोसाइटी को दर्शाती है और लोग फिल्मों से इंस्पायर होते हैं, मतलब ये एक साइकिल की तरह बन चुका है। तो पीछा करना, स्टॉक करना, ये प्यार नहीं होता, चाहे वो बॉलीवुड फिल्म हो या फिर हॉलीवुड, उनसे इंस्पायर नहीं होना चाहिए। और स्टॉकिंग जैसी चीज़ों को रोमांटिक बताना या फिर उनको ग्लोरीफाई करना भी गलत है। और पिंक जैसी मूवीज ने इसी तरह के स्टेरियोटाइप को तोड़ा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और इसी तरह के कॉन्टेंट के लिए दानिकी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।